एडमिशन के हवाले से एक अहम खबर जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, खासतौर पर उन तलबा के लिए जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में दाखिला लेना चाहते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में जितने भी कॉलेजेस हैं, उन सब ने इस साल CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की बुनियाद पर दाखिला लिया जा सकता है। यानी कि अगर देखा जाए, अभी तक क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्रामों के लिए यूनिवर्सिटी का एक अपना एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था, लेकिन इस साल यूनिवर्सिटी की तरफ से अपना कोई भी एंट्रेंस टेस्ट मुनाकिद नहीं किया जाएगा, बल्कि तमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की बुनियाद पर किया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताते चलूं, CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से मुनाकिद किया जाएगा, जिसके लिए बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में ही। आइए इस बारे में मजीद मालूमात के लिए क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के कंट्रोलर एग्जामिनेशन खुर्शीद साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में पहली बार CUET के तहत एडमिशन्स लिया जाएगा, सर इस बारे में हम मजीद आपसे जानने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, इस साल से हमने शुरू किया है, NTA से हमने पैचअप किया हुआ है। एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है फॉर UG प्रोग्राम्स एंड फॉर PG प्रोग्राम्स, लेकिन जो अभी NTA से नोटिफिकेशन आया है वो सिर्फ UG प्रोग्राम्स के लिए आया है, और ये हमारे UT गवर्नमेंट का डिसीजन था कि सारे यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करेंगे इसमें CUET में। इसमें बेनिफिट्स ये हैं कि स्टूडेंट जब ये क्वालिफाई करेगा अपना मेरिट लेके जाएगा किसी भी यूनिवर्सिटी में, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी जो होगी NTA में, तो वो अक्रॉस द कंट्री होगा, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, किसी भी यूनिवर्सिटी में वो जा सकता है अपना मेरिट लेके, ऑन द बेसिस ऑफ NTA स्कोर वहाँ वो एडमिशन ले सकता है। जैसे हमने नोटिफिकेशन 14 जनवरी को निकाली है, वो दैट्स ऑन द क्लस्टर यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड एज वेल एज ऑन द NTA वेबसाइट, दोनों वेबसाइट्स पे वो है अभी। तो वो हमने निकाला इसलिए कि बच्चे जो अभी 10+2 करके हैं या जो अपेयरिंग भी स्टूडेंट्स है अभी 10+2, आपको पता होगा डेट शीट ऑलरेडी आया हुआ है इसका, JK बोस का, तो वो भी अपेयर हो सकते हैं। अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया है और बच्चे हमारे फॉर्म भर रहे हैं इसमें। सर, रिजल्ट के बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा, क्या काउंसलिंग की जाएगी, क्या कुछ प्रोसेस रहेगा इसके? हाँ, इसके बाद काउंसलिंग के सेशन चलेंगे वंस द स्टूडेंट इज क्वालिफाइड। जब 10+2 वो एग्जामिनेशन पास करके वो हमारे पास NTA मेरिट लेके आएगा, उसके बाद एक सेकेंड प्रोसेस चलेगा एडमिशन का, ठीक है। वो सेंट्रलाइज पोर्टल होगा, तो उसमें उसको फिर वो अप्लाई करना पड़ेगा अपने मेरिट के हिसाब से। और हमने जो UG अभी नोटिफिकेशन आई है, क्योंकि ये NEP है, आपको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें हमारे मेजर सब्जेक्ट्स के हिसाब से एडमिशन्स हो रहे हैं, तो हमने जो आइडेंटिफाई किए हैं वो 33 सब्जेक्ट्स अभी हैं, 33 सब्जेक्ट्स में वो एडमिशन। इट विल डिपेंड ऑन द मेरिट, कि मेरिट कितना हो जाएगा वो स्कोर लाने के बाद ही पता चलेगा लास्ट में। सर, आखिर में ये जानना चाहेंगे क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में कितने कॉलेजेस हैं अभी? हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस 5 हैं, एक अमर सिंह कॉलेज है, SP कॉलेज है, कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस फॉर एजुकेशन स्टडीज हम कह रहे हैं हम उसको, और गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन MA रोड है, और SP कॉलेज है। ये हमारे 5 कॉलेजेस हैं। इसके बाद हमारे 4 एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, उसमें हमारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ईदगाह है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आलोचीबाग है, और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैदरपोरा है, और इसके बाद हमारा GCET है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज एक है जो सफापुरा में है। तो उसमें तो इंजीनियरिंग कोर्सेज के एडमिशन थ्रू BOPE ऑलरेडी चल रहा है, वो उससे एडमिशन होगा इंजीनियरिंग कॉलेज में। बाकी जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए हैं, हमारे 5 कॉलेजेस हैं और 3 एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, 8 कॉलेज टोटल हैं। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, तक क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के एडमिशन के हवाले से कुछ अहम मालूमात जो हमने आप तक पहुंचाई। दीजिए मुझे अपनी मेज़बान ज़बरीन आशिक के साथ कैमरा पर्सन रात रोशन आरो को इजाज़त। शब्बा खैर।